तो हे गाइस वेलकम बैक टू फनी फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम जा रहे हैं ब्लॉकफील्ड। तो ब्लॉकफील्ड में हम आपको दिखा देंगे जो यहाँ थाना है और वगैरह हॉस्पिटल वगैरह, आपको नर्सरी वगैरह सब चीज दिखा देंगे। जो नए ब्लॉक बन रखे हैं वो भी दिखा देंगे। सो मजा आएगा। देखते हैं कि वहाँ कुछ कोई बच्चे वगैरह खेलने के आ भी रखे कि नहीं आ रखे। दोस्तों टाइम हो गया दुकानों के बंद होने का। सो देखते हैं, अगर टॉफी के लिए दुकान खुली रहेगी तो हम टॉफी ले लेंगे ना, या फिर हमें वही उस दिन के जैसे आजमोला कैंडी खानी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली दुकान खुली थी इसलिए मैं च्युइंग गम ला गया हूँ। तो चलो अब च्युइंग गम खाते खाते जाते हैं पर ब्लॉक पे। जेब के अंदर रखना तब तक, हाँ जब तक घर नहीं पहुँचे। हेलो भैया, क्या कर रहे हो, घूमने? अच्छा, सो दोस्तों यहाँ पे पार्क बन रहा है, जो नया पार्क बन रहा है इस जगह पे बन रहा है। सो दोस्तों ये है SDM आवास, जहाँ SDM मल्ला रहते हैं। और इसके बगल में ठीक ऊपर पे ये PWD वाली बिल्डिंग है। बिल्डिंग ये क्या है, ये अंग्रेजों ने बनाई थी, जब अंग्रेजों का टाइम था तब उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। हाँ ये नहीं बन गई। सो दोस्तों ये जो सरकार ने कूड़े के लिए बनाया था, नहीं तो लोग यहाँ जंगलों में कूड़ा फेंकते रहते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल है। सो दोस्तों मैं अपना ये छिलका फेंक देता हूँ यहाँ। सो दोस्तों ये जो आपको अंदर एक बिल्डिंग दिख रही है, ये पुराना ब्लॉक है और अब यहाँ राट विकास वगैरह सब बहुत सारी चीजें बन गई है। सो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं ब्लॉक फील्ड। और जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, नया ब्लॉक बन रखा है। और देखो शेखर भैया, सैल भैया बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। बैडमिंटन का कोर्ट नया बना रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारे BDO सर रहते हैं। और उसके जो बीच में आपको सेंटर में एक पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो एग्रीकल्चर ऑफिस है, उससे रिलेटेड। हाँ और ये ब्लॉक है, वैसे पार्किंग के लिए सही है। देखो गाड़ी पार्क करके बहुत सारे लोगों ने, यहाँ से मेरा स्कूल भी दिखता है, ऊपर दिख रहा होगा जो ब्लू कलर की लंबी सी बिल्डिंग है, वो मेरा स्कूल है नया वाला। सो गाइज ये है यहाँ का हॉस्पिटल, 37 का हॉस्पिटल। सो यहाँ मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, प्राची का पता नहीं। उसके बगल पे एक छोटी सी बिल्डिंग बन रही है कोई, उसके बगल में आप देख रहे होंगे। सो दोस्तों ये ट्रांजिट हॉस्पिटल 37 नाम का, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, मुझे पता नहीं है अब ढंग से। सो ये भी हॉस्पिटल के सामने बनाई है। जो हॉस्पिटल के मतलब जो सब एम्प्लॉयज होते हैं वो यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग पे। सो दोस्तों उसके साथ आ जाते हैं यहाँ पे हमारे 37 का जो नया पुलिस स्टेशन बन रखा है, जो थाना है। और उसके पीछे आप देख रहे हैं पशुपालन, वेटनरी हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो छुप रखा पीछे देखो येलो येलो वाला। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता, हाँ यही 10x पे। तो दोस्तों हमने सोचा कि इस जगह में आए तो योगा करके ही जाएंगे। सो योगा तो वैसे बहुत जरूरी है, तो हम जाते हैं अब नीचे, तो वहाँ से उस साइड हम जाएंगे तो योगा करेंगे। सो दोस्तों ये यहाँ का 37 का भूसा गोदाम, यहाँ पे जो मतलब वो होते जानवर, जंगली जानवर, जंगली नहीं जिसके पेट होते हैं, मतलब उनके लिए भूसा वगैरह जो भी मतलब खाने की चीज़। वेटनरी हॉस्पिटल ये है यहाँ का, छोटा सा ही है लेकिन अंदर से बड़ा थोड़ा। उसके ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ से नर्सरी आ जाती पूरी, ऊपर में भी है नीचे भी है, साइड पूरी नर्सरी नर्सरी। असली में बहुत थकान लग गई मैं, सो हम थोड़ा बैठ के योगा कर लेते हैं। सो हैप्पी रूल, जो कि चीड़ के पेड़ से निकलता है, जिसकी आवाज बहुत ही सुरीली होती है। हम योगा करते हैं, योगा योगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है तो आप अनुलोम विलोम कर सकता हूँ। नहीं नहीं प्राची है यहाँ, योगा से प्राची। तो दोस्तों चलो बिना कोई फालतू की बात करके योगा करते हैं शुरू। पहले छाती चौड़ी करो फ्रेंड्स। सबसे पहले हम करेंगे मेडिटेशन, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है अगर आप करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अपनी चंचल बुद्धि को थोड़ा शांत करिए और आराम से सांस लीजिए और शांत मन से ओम ओम का ध्यान करें। Thank you.
वो करते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, जो कपाल भाती होती है ना, अनुलोम तो उसे सांस बाहर को छोड़ते हैं और अंदर को लेते हैं। छोड़ते हैं अंदर को बोलते हैं सरीजे से, और दिन करते हैं नहीं हम, अंदर को लेते हैं बाहर को छोड़ते हैं। चलो अब थोड़ा वो करते हैं अनुलोम, गुस्सा आ रहा है। लकी मुंह से मत ले सांस, नाक से ले, नाक से ले रोटी। Shut up. यहाँ कपाल मनी करना मना है, ये क्यों ना यहाँ ना। तो दोस्तों मन को थोड़ी शांति मिलती है। आहा फ्रेंड्स, ऐसी जगह में बैठ के एक अलग सी शांति मिलती है जिसमें चिड़ियों की आवाज कन 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 गन गन गन। ये देखा अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी, चुप। हाँ सुनी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज हम छोटा व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ दिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर मैं दिख रहा हूँ तो इस वीडियो को कौन बताएगा क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो बाय।